क्या देख रही है तू? अरे मैं साक्षी और की साक्षी की फोटोज देख रही थी। देख एंगेजमेंट। एंगेजमेंट की फोटो है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, ये वाली फोटो बहुत अच्छी है इनकी, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हैं। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा मैं पता है, अभी फोटोज देखते देखते साक्षी के लिए पोयम लिख डाली मैंने। क्या बात कर रही, पोयम? जिस्सा जिस्सा सुनाओ। पिता का मान होती है बेटियां, पिता का मान होती है बेटियां, माँ की आंखों का तारा होती है बेटियां। वो तो होती है। घर की रौनक और शान होती है बेटियां, दुनिया की रीत निभाती है बेटियां, दोनों कुलों का मान निभाती है बेटियां। बस निखिल मैं ये चाहती हूँ कि साक्षी भी दोनों परिवार का मान सम्मान बनाए रखे। बिल्कुल साक्षी हमारी, बिल्कुल दोनों को साथ में लेके चलेंगी। होता झुकाया जब जैसे दरगाह पे बांधे धागे, तब बिना मांगे ही मिल गया है सब। मेहरबान हुआ यार, अब तो रो मत यार। यार अब मेरे रूम में कौन रहेगा? मैं सारज के साथ फंस गई। एक काम कर, तू पुणे मत जा, तू यहीं पे रुक जा, तेरे कपड़े भी इधर ही आ जाएंगे। वो क्या है, साक्षी ताई की अलमारी खाली हो जाएगी, उसके कपड़े वैसे भी फेंकने हैं, तो तू आ जा। पर एक मिनट रुक, मुझे ना उसकी याद जरूर आएगी। पर पता है क्यों? मेरे को उसके कपड़े मिल जाते थे, उसकी पत्नी मेरे कपड़े ही नहीं होंगे मेरे को। अब मैं कपड़े कहाँ से लाऊंगा? नाम कौन? आलू बड़े करारे तरह
रमना लाल बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमना स्वीटू आजा मारे आलू बड़े करारे तो रमना लाल बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमना स्वीटू आजा मारे मुंडे यार मोटिया तो खूब परेशान करती खूब जाती पर लाल पंती सच करते हैं ना चीनू टाइगर मारते तो बीच में लगा देते पंजे का एक दो एक साइड हो जाते मी चूरा बन जा तो मन अगर चल ली तो चांगले ना तो मग्गी जी बेकार पेटनी ये सग बापू काका मैं काट होते पर चले तो चांगले ना चार दिन तो मैं एक कसर काटी तू चुप है तो डर लगता है अपना मुझको अब कौन कहेगा तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं एकदा तुला आठवण नाही का जीव तुम्हाला वातावरण नाही घेऊन जात होती तेव्हा बापू बोलना छोड़ना मैं पेटीएम रखते रहे चंचल कहानियां होती है घर के कण कण में बेटियों की निशानियां होती है बड़े ही नसीब वालों के घर उतारी जाती है ये बेटियां बेटी सिर्फ घर की ही नहीं कायनात की रानियां होती है साक्षी माझी पहली मुलगी है तिचं पाऊल माझ्या घरी आलं त्यानंतर मला कुठेच वळून बघावं लागलं नाही ज्या विश्वात तिने मला आणि माझ्या परिवाराला घेऊन गेली ते विश्व माझ्यासाठी नवीन होतं कारण ते विश्व तिने घडवलं होतं लोक म्हणतात की मुलांचं नशीब बाबा घडवतात तर माझं नशीब तिने घडवलं मला सांगण्यासारखं नाही कारण फुलांना कधी प्रश्न विचारला जात नाही
ती तशीच फुलासारखीच राहिली आणि तिने फुलासारखंच आपलं प्रवास पण आमच्या पूर्ण कुटुंबामध्ये तिने केला. साक्षी जेव्हापासून या घरात आली तेव्हापासून या घरात खूप आनंद आहे. ती लहानाने मोठी झाली, त्याच्यानंतर आज ती माझी मैत्रीण पण बनली. आता आज ती लग्न करून चालली. आज जसं तिने या घरात सगळ्यांना मिळून मिसळून ठेवलं आहे, तशी माझी अपेक्षा आहे की तिने पण त्या विश्वाला खूप छान ठेवलं पाहिजे. आणि याच्यासाठी साक्षी आणि चैतन्याला माझी खूप खूप शुभेच्छा आहे. हे शक्कू, हे लाडो, आनंदाचं बेटा, खूप खुश राहायचं तू. हा, लव यू लव यू.